जिस प्रकार से अंधेरा और उजाला एक साथ नहीं रह सकते, वैसे दुख और प्रेम, जिसके जीवन में प्रेम है दुख है, प्रेम का अभाव हुआ तो दुख का प्रभाव हुआ। ये सब कुछ कैसे ठीक हो सकता है, कैसे हम अपने प्यार में जीत सकते हैं, कैसे अपने रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं, कैसे संबंधों को हरा भरा किया जा सकता है। आज रात में बिस्तर पर बैठकर सिर्फ ये शब्द बोल देना, सुबह तक तुम जो चाहते हो वही होगा। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। देखो, जिनका काम हो जाता है वो शांत रहते हैं, जिनका काम नहीं होता वो अशांत रहते हैं। हम तो उन पर भी काम कर रहे हैं। आज मैं कह रहा हूं सावधानी से, सिर्फ रात में जब बिस्तर पर बैठना, बिस्तर पर बैठकर ये शब्द बोल दे, उसके बाद तुम्हारा काम खत्म। कोई शक्तियां है जो काम करेंगी, कोई एनर्जी है, कोई पावर है जो काम करेगी। चूंकि रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, फिर क्या होगा, फिर होगा रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भाष्वान देस्यति हसिष्यति पंकजश्री, फिर इत्थं विचिन्तयति को फवते दुरेफे। दुनिया की सारे जंजालों से आप मुक्त होंगे, रात्रि व्यतीत होगी सुहावना प्रभात, और बेहतर होगा तुम्हारा जीवन, जो पाना चाहते हो। इसके बाद दुख नहीं होगा, इसके बाद तकलीफें नहीं होंगी, इसके बाद रोना बिलखना परेशान होना उल्टा सीधा सोचना विवश होना परेशान होना ये सब समाप्त हो जाएगा। जान लीजिए पूरा विश्लेषण। रात्रि में एक ऐसा वेद का मंत्र बता रहा हूं, एक ऐसा अद्भुत जागृत मंत्र बता रहा हूं जो सिर्फ दो शब्द का है और आपके जीवन को कंप्लीट करने के लिए काम करता है। और ये पहला एक मंत्र है जो दुनिया के सारे शास्त्रों ने एक साथ लिखा। अगर आप देवी पुराण उठाएं तो उसमें भी लिखा है, रामायण उठाइए उसमें भी लिखा है, वेद उठाइए तो उसमें भी लिखा है। अगर आप लंबा बोल सकते हैं तो मैं मंत्र बताता हूं, ये बोलकर हर रात सो जाइए, हर रात आपके काम आएगा ये, क्योंकि रात की शक्तियां जागृत होती हैं और वो शक्तियां आपके लिए वर्क करने शुरू कर देती हैं। करो तु साना सुभ हे तुरीश्वरी सुभानि भद्राणि बिहंतु जापदा, ऐसा बोलकर सो सकते हैं अगर लंबा मंत्र बोल सकते। अगर आप रामायण का मंत्र बोलना चाहते हैं तो हम सारे शास्त्रों को आज एक साथ उड़ेल रहे हैं आपके साथ। रामायण का मंत्र बोलना चाहते हैं तो क्या बोले, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा करहु सो बेगी दास मह तोरा। एक ही मतलब है, जिस प्रकार से मेरा हित हो, जिस प्रकार से मेरा कल्याण हो वैसा करे, ऐसी भावना के साथ इसको बोलकर सो सकते हैं। अब आपको सीधा वो मंत्र बता रहा हूं जिसके लिए आज आया हूं, ये अमोघ मंत्र है। आपको बोलना है ओम भद्रम करणे शृणुयाम देवा, बस इतना सा बोलना है। क्या बोलना है, ओम भद्रम करणे शृणुयाम देवा। देवताओं कुछ ऐसा बोलो जो मेरे कर्ण के लिए भद्र हो, मेरे कर्ण के लिए शुभता का प्रदान करने वाली कुछ ऐसी सूचना बोलो ना मेरे कान में, ऐसा कहकर सोचो। क्या बोलना है, ओम भद्रम करणे विश्वयाम देवा, ऐसा बोलकर आप विश्राम कर जाइए। तो देखिएगा कुछ अलौकिक शक्तियां आपके लिए काम करेंगी, कुछ अलौकिक शक्तियां हैं जो सिर्फ इसी बात के लिए बैठी है, कोई आवाहन करे बस बात कह दे और हम उसके लिए काम कर दे। आप यकीन मानिए, मेरे अपने जीवन में जब भी कोई आवश्यकता होती तो मैं यही मंत्र इस्तेमाल करता हूं, मेरे सारे काम होते हैं। मेरी बहुत श्रद्धा है, एक बार पूरी श्रद्धा से पूरे विश्वास से बोल कर देखो, तुम्हारी भी सुनेगा। तुम्हें विश्वास नहीं है खुद पर, तुम्हारे इष्ट पर, तुम्हारे गुरु पर, बस इसलिए तुम्हारा काम नहीं होता और दुनिया का कोई कारण नहीं है तुम्हारे काम नहीं होने का।
तुम्हारे काम नहीं होने का कारण ये है क्योंकि तुम भगवान के साथ भी सौदा करने पहुंच जाते हो, तुम खरीद फरोख्त कर रहे होते हो, हमने इतने पैसे दिए थे अभी तक काम, बस इसीलिए तो नहीं हो रहा है। तुम श्रद्धावान नहीं होना, तुम विश्वासवान नहीं होना, तुम तो प्रोडक्ट खरीदने आए हो, प्रोडक्ट कहाँ बिकता है ऐसी जगहों पर, प्रोडक्ट तो मार्केट और बाजार में बिकता है, तो मंदिर में बाजार की चीजें दोनों में तो कहाँ से मिलेगा। मेरी बात समझने की कोशिश करना बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसे जितना आप सहजता से आलिंगन करेंगे, ग्रहण करेंगे, स्वीकार करेंगे, उतनी जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। तो पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ ये उपाय करें, और ये उपाय, हाँ ये उपाय कल भी किया जा सकता है, बहुत सुबह है, करके देखिए त्वरित लाभ होगा। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनने की कोशिश करो, हर आधे घंटे में प्राण करके पानी पियो, अपना बहुत ख्याल रखो, मैं हूं तुम्हारे साथ। बस क्या नहीं करना, रोना, बिलखना, परेशान होना, प्रीवियस लाइफ बताना, उल्टा सीधा सोचना, नेगेटिव थिंकिंग रखना, ये सब बंद कर दो, इसी वजह से तुम्हारे काम में दिक्कत आती है। जब तक तुम ये बंद नहीं करोगे तब तक ही दिक्कत है। जैसे तुमने बंद किया तो 95 में पहुंच जाओगे। ख्याल रखो, मैं तो सिखा रहा हूँ। ओम नमः शिवाय।